बात पंजाबी मूवीज की हो या हिंदी फिल्मों की, उनकी अदाकारी का जादू हर किसी के सिर पर चढ़ चुका है। आलम ये है कि उनकी गिनती टीवी सीरियल्स के भी दिग्गज कलाकारों में होती है। यकीनन बात हो रही है कमलजीत सिंह की, जिनका आज बर्थडे है। ऐसे में हम आपको उनकी जिंदगी के ऐसे ऐसे किस्से से रूबरू करा रहे हैं जो आपने शायद ही सुने होंगे। अभिनेता कमलजीत जी का जन्म 29 सितंबर 1951 को उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक सिख परिवार में हुआ था। सहारनपुर में ही पले बड़े कमलजीत ने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी FTII से एक्टिंग का कोर्स किया। दोस्तों कमलजीत जी के FTII में दाखिला लेने का भी एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि कमलजीत जी का अभिनय के क्षेत्र में आने का कोई इरादा नहीं था। 17 वर्ष की उम्र में उनका सपना एयरफोर्स में पायलट बनने का था। यहाँ तक कि उन्होंने बकायदा उसके लिए तैयारी कर NDA की परीक्षाएं भी दी। उन्होंने एक बार एयरफोर्स की परीक्षा भी पास कर ली थी, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो सका क्योंकि उन्हें दाहिने कान से काफी कम सुनाई देता है। हालांकि बाद में एक कान से कम सुनाई देने का वो अक्सर फायदा भी उठा लिया करते थे। ऐसा उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उन्हें किसी बात को नजरअंदाज करना हो तो वो अपनी इसी कमजोरी का बहाना बना लेते थे। ये कहकर सॉरी यार सुन नहीं सका था ठीक से। खैर हम बात कर रहे हैं कमलजीत के FTII जाने की और अभिनेता बनने के सफर के बारे में। दरअसल कमलजीत को ऐसा लगता था कि जीवन में कुछ करना है तो छोटे शहर से निकलना, किसी बड़ी जगह जाना होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें कोई नौकरी करनी होगी या किसी ट्रेनिंग के बहाने ही बाहर निकलने का मौका मिल सकता है। कई सारी परीक्षाएं देने के बाद भी उन्हें कोई सफलता तो नहीं मिल सकी, लेकिन उसी दौरान उनके एक दोस्त के घर पर एक पत्रिका में छपे FTII के एक इश्तिहार में उनकी नजर पड़ गई, जिसमें वहां एडमिशन लेने से संबंधित जानकारी दी गई थी। कमलजीत को लगा कि एक अच्छा मौका है सहारनपुर से बाहर निकलने का। बस फिर क्या था, वो पहुंच गए फोटोग्राफर मित्र के पास अपनी फोटो निकलवाने। साथ ही उन्होंने ये भी हिदायत दी कि जब मेरा सिलेक्शन ना हो जाए तब तक ये बात लीक नहीं होनी चाहिए। दरअसल कमलजीत नहीं चाहते थे कि अगर किसी वजह से उनका सिलेक्शन ना हो सका तो उन्हें वापस आना पड़ा तो उनको कोई मजाक ना उड़ाए और कहे कि हीरो बन गया और लौट आया। दोस्तों कमलजीत जी का पुणे का जाने का किस्सा भी बड़ा दिलचस्प है, जिसका जिक्र उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में किया है। हुआ ये कि जब वो पुणे के लिए निकल गए तो उनकी ट्रेन पहले मुंबई के एक स्टेशन मुंबई सेंट्रल पहुंचनी थी, फिर उसके बाद उन्हें अगली ट्रेन मुंबई के ही दूसरे स्टेशन CST जो कि उस वक्त VT स्टेशन के नाम से जाना जाता था वहां से पकड़नी थी। मुंबई सेंट्रल पहुंचकर उन्होंने वहां से VT के लिए एक टैक्सी ली। टैक्सी वाला भी मीटर डाउन कर चल पड़ा, लेकिन पता नहीं टैक्सी वाले ने जानबूझकर या फिर शॉर्टकट के चक्कर में टैक्सी को किसी ऐसे रास्ते से ले गया जहां औरतें लड़कियां ऐसे खड़ी थीं जैसे भेड़ बकरियां बेची जा रही हों। वे इशारे कर करके सबको बुला रही थीं। कमलजीत को वो सब कुछ बहुत अजीब लगा। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि ये सब क्या है, तो ड्राइवर ने बताया कि ये रेड लाइट एरिया है। कमलजीत को ये सब देखकर तकलीफ हुई, उन्हें लगने लगा कि वे गलत जगह आ गए हैं। उस माहौल को देखकर उनका मन पूरी तरह खराब हो गया और वो सोचने लगे कि उन्हें सहारनपुर वापस लौट जाना चाहिए। उसी उधेड़ मन में उनकी टैक्सी VT स्टेशन पहुंच गई और उस नेगेटिविटी फिर से पॉजिटिविटी में बदल गई। कमलजीत वहां से पुणे रवाना हुए और वहां पहुंचकर उन्होंने FTII की ट्रेनिंग की। इसके बाद मुंबई आकर फिल्मों में प्रयास करना शुरू कर दिया। वर्ष 1977 में उनकी पहली फिल्म मिली शंकर हुसैन, जिसे बना रहे थे उस दौर के जाने माने निर्माता निर्देशक व गीतकार कमाल अमरोही जी। हालांकि वो फिल्म बनने में 3 वर्ष लग गए। इस बीच उनकी दूसरी साइन की हुई फिल्म पहले रिलीज हो गई। उस फिल्म का नाम था दास्तान लैला मजनू, जो कि उनकी डेब्यू फिल्म बन गई। इस फिल्म का एक गाना सुपर हिट हुआ, कहीं एक मासूम सी एक लड़की, जिसे कि रफ़ी साहब ने बहुत ही अलग अंदाज में गाया था। इसके बाद उन्होंने हम ना रहे, शक सत्ता पे सत्ता और अशांति जैसी फिल्मों में काम किया। फिल्मों में काम करने के बाद उन्होंने टेलीविज़न का रुख लिया क्योंकि उनकी फिल्में सफल नहीं हो रही थी और जो हो रही थी वो उन्हें कुछ खास फ़ायदा नहीं मिल रहा था। दोस्तों बहुत से लोग तो ये समझते हैं कि उनका पहला धारावाहिक बुनियाद था जिससे उन्होंने टेलीविजन पर अपने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन ऐसा नहीं है। जाने माने निर्माता निर्देशक रमेश सिप्पी जी की बुनियाद से पहले उन्हीं के बैनर तले एक छोटे से धारावाहिक था जिसका नाम था छपते छपते। इस धारावाहिक से ही कमलजीत ने टेलीविजन पर शुरुआत की। इस धारावाहिक के ज्यादातर कलाकारों को बुनियाद में मौका दिया गया था। धारावाहिक बुनियाद में उनकी पहचान तो बन गई, लेकिन सोने पर सुहागा तब हुआ
जब कमलजीत ने धारावाहिक फरमान में काम किया, जाने माने निर्देशक लेक टंडन जी से बेहद ही सफल धारावाहिक में कमलजीत द्वारा निभाई गई एक नवाब की भूमिका उनकी पहचान घर घर बन गई थी। हालांकि ये किरदार शुरू में कुछ नकारात्मक सा था, लेकिन धीरे धीरे उस किरदार के बदलते रूप ने अपने साथ साथ कमल जी को भी सभी का चहेता बना दिया था। इसके बाद तो उनको ढेरों धारावाहिकों सशक्त भूमिकाओं की निभाई, जिसने सांस, फैमिली, नंबर वन, अभिमान, सिसकी, सारा आकाश और सबकी लाडली बेबो आदि प्रमुख हैं। टीवी और फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने रंगमंच मिर्जा गालिब नाम के मशहूर नाटक में भी काम किया है। हालांकि उन्हें शुरुआत से ही रंगमंच से एक डर सा लगता था, पर उससे पहले उन्होंने भरत कपूर, लेजेंडरी एक्टर बलराज साहनी जैसे दमदार अभिनेताओं ने इस किरदार को अपने दमदार अभिनय से एक अलग ऊंचाई दे दी थी। उन्होंने बताया कि फिल्मों और टीवी शो में तो एक एक्टर अपनी गलती सुधारने के लिए कई टेक मिलते हैं, लेकिन थिएटर में दूसरा मौका नहीं मिलता और नाटक के दौरान अगर एक्टर अपने डायलॉग भूल गया तो दर्शकों के सामने उसका मजाक बन जाएगा, इसलिए वो थिएटर से हमेशा दूर ही रहते थे। लेकिन इस डर के बावजूद उन्होंने रंगमंच पर शानदार अभिनय किया, वहां भी अपने अभिनय का लोहा मनवाया। इस नाटक को करने में जितना डर लगा था उन्हें, उससे कहीं ज्यादा उन्हें एक सुकून मिला, क्योंकि वो मिर्जा गालिब को पहले से ही बहुत दिल से मानते थे। ना सिर्फ मिर्जा गालिब बल्कि फैज अहमद, फैज सहित जितने भी बड़े शायर रह चुके हैं सबको उन्होंने खूब पढ़ा है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब फैज साहब की डेथ हुई थी तो कमलजीत ने पूरे 3 दिन तक अपने आप को कमरे में उनकी किताबों को बंद करके पढ़ते रहे थे। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उनकी निजी जिंदगी पर। कमलजीत की पत्नी का नाम है अनुराधा पटेल, जो कि 80 के दशक की एक जानी मानी अभिनेत्री रह चुकी हैं। 30 अगस्त 1961 को मुंबई में पैदा हुई अनुराधा पटेल का संबंध काफी बड़े फिल्मी परिवार से है। लेजेंडरी एक्टर अशोक कुमार जी रिश्ते में अनुराधा के नाना लगते हैं। अनुराधा ढेरों टीवी शोज और फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। उनके अभिनय जीवन की शुरुआत वर्ष 1983 में रिलीज हुई फिल्म लिव इन गोवा में हुई थी। इसके बाद वे वर्ष 1984 में रिलीज हुई फिल्म उत्सव में रेखा की सहेली के किरदार में नजर आई। इस फिल्म के एक सदाबहार गीत मन बन क्यों बहका रे बहका आज भी लोगों को उसी शिद्दत से देखते और सुनते हैं। वर्ष 1987 में प्रदर्शित फिल्म इजाजत में अपने शानदार अभिनय से अनुराधा ने सबका दिल जीत लिया था। फिल्म के गीत मेरा कोई सामान तुम्हारे पास पड़ा है में खूबसूरती और शानदार अदायगी के दर्शक आज भी कायल हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित अपने पहले धारावाहिक छपते छपते में कमलजीत और अनुराधा पटेल ने साथ काम किया था। हालांकि इसके अलावा भी इनकी दो फिल्में एक साथ काम करने का मौका मिला था, लेकिन उनमें से एक फिल्म पूरी ना हो सकी जिसका नाम था खिलाड़ी, और दूसरी फिल्म थी झूठी शान जिसमें बाद में उनकी जगह अभिनेत्री पल्लवी जोशी को रिप्लेस कर दिया गया। जुगाई जो बाद में मोहब्बत में बदल गई। 13 अप्रैल 1988 को कमलजीत सिंह और अनुराधा पटेल वैवाहिक बंधन में बंध गए। सदा सुहागन, धर्म अधिकारी, रुखसत, दयावान, दीवाने, तुझे मेरी कसम, जाने तू या जाने ना, रेडी और रब्बा, मैं क्या करूं जैसी ढेरों फिल्मों में काम करने के अलावा अनुराधा कोई धारावाहिक जैसे देखो मगर प्यार से, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वे कैमियो रोल्स करती नजर आई थी। साथ ही उन्होंने कई बड़े विज्ञापनों में भी काम किया। दोस्तों, अनुराधा पटेल जी का मुंबई में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक अपना इंस्टीट्यूट है। अनुराधा और कमलजीत की संतानों की बात करें तो उनके 2 बेटे एक बेटी है, सिद्धार्थ, आदित्य और मरियम। बड़े बेटे सिद्धार्थ सिंगर, राइटर और म्यूजिक कंपोजर हैं, तो छोटे बेटे आदित्य एक जाने माने आर्टिस्ट हैं। मुंबई में अक्सर इनकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगती रहती है। एक खास बात जो कि हम लोग जानते हैं कि यूएसए में रह रही उनकी बेटी मरियम को उन्होंने गोद लिया था। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं